अस्सलामु अलैकुम। आज हम अढ़ाई मरले का घर लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में, जो कि अवेलेबल है फार सेल के लिए, और इसके जो लोकेशन है वो आसिफ टाउन है। ये बिल्कुल हम गाड़ी के रह के गैराज में मौजूद हैं, जो कि छोटी गाड़ी के गैराज, और इसके सामने तीन बेडरूम मौजूद हैं। ड्राइंग रूम्स में तीन बेडरूम बनते हैं और मार्बल टाइल के साथ ये इंतहाई खूबसूरत छोटा किचन भी इसके साथ मौजूद है, जो कि गाड़ी के गैराज के बिल्कुल सामने है। ये तीन बेडरूम साइड बाई साइड और उसके साथ एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के इर्द गिर्द लकड़ी का उम्दा काम मौजूद है, और उसके ऊपर सीलिंग का काम भी बहुत सादा है मगर खूबसूरत है। ये मैं आप लोगों को एक मरतबा दोबारा ओवरव्यू दे दूं कि ये तीन बेडरूम बनते हैं ड्राइंग रूम समेत। अब हम ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके हैं। ड्राइंग रूम का अंदर अटैच वाशरूम मौजूद है, और इसका एक दरवाज़ा बाहर और एक अंदर की तरफ ओपन होता है, और उसके ऊपर सीलिंग का खूबसूरत काम किया गया है। अब हम एक बेडरूम बेड नंबर एक में दाखिल हो चुके हैं, और उसके ऊपर भी सीलिंग और नीचे मार्बल टाइल का काम किया गया है, और इसका एक दरवाज़ा पीछे डक के साथ एक वॉशरूम में खुलता है। ये इसका वॉशरूम है जिसके अंदर मार्बल टाइल लगाई गई है और फ्लश वाला ये टाइल, और इसके अंदर एक दरवाज़ा है जो कि वाटरप्रूफ। अब हम बेड नंबर दो में दाखिल हो चुके हैं। ये बेड नंबर दो है जिसके नीचे भी मार्बल टाइल और ऊपर सीलिंग का काम इंतहाई खूबसूरत तरीके से किया गया है। इसके साथ बिल्कुल ही अटैच वॉशरूम नहीं है, लेकिन इसका एक दरवाज़ा डक में खुलता है, जो कि वही पहले वाले वॉशरूम के साथ अटैच हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको लोगों को इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहेंगे। 30 फुट रोड के ऊपर मौजूद ये घर है, जो कि गैस नहीं लगी हुई मगर गली में गैस मौजूद है, नेक्स्ट टू कार्नर घर। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन आसिफ टाउन में मौजूद है।